लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे आपको कि जो बिहार में हो रहा है, जो इस प्रदेश में हो रहा है, और इस प्रदेश की सरकार छात्रों और युवाओं के उस सारे अधिकारों की लड़ाई को खत्म करना चाहती है, उस सारे चीजों को जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करने की जरूरत थी, लड़ाई की जा रही है। और जो भी चीजें, जो प्रतियोगिता परीक्षा, जो कंपटीशन होते हैं और जो फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके बाद की चीजें अगर सरकार आवेदन मांग रही और लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा? और समाधान अगर नहीं होता है तो क्या सरकार का दायित्व खत्म हो जाता है युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति और सारे विषयों पर? अभी आपको अपडेट करा दें कि जितने भी विषय हैं, अभी शिक्षक बहाली से लेकर बीपीएससी, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, पुलिस, इन्फोर्समेंट, दरोगा, सिपाही, सब विषयों पर अगर बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात की अब पुष्टि हो चली है कि इस प्रदेश की सरकार को छात्रों युवाओं से कोई विशेष मतलब नहीं है। अभी आपको बता दें कि नौकरी के नाम पर जिस तरह की चीजें अभी की जा रही है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 और TRE-2 से लेकर, यानी दो, लगभग तीन महीने में 2,00,000 लोगों को नौकरी मिली सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षक बनाया गया। अभी आपको हम बात करेंगे कि कल जो घटना हुई है, कल शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उनके आवास पर हम सभी साथी लोग गए थे और इस तरह से चीजें की गई। मुझे लगता है कि सरकार के समक्ष उन चुनौतियों का सामना बातचीत करने के लिए नहीं, धकिया कर हटाया गया। हमारे साथी जितनी महिला बहन थी, भाई थे, सबके साथ इस तरह के अभद्र भाषा के इस्तेमाल करके, टीका टिप्पणी करके उनको हटाया गया, ठेला गया। आप अब समझ लीजिए कि अगर आप काम नहीं, काम ऐसे भी आप नहीं करना चाहते हैं, ये बात सही है, क्योंकि आपके तरह जो जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं और जिस तरह की चीजें हो रही है इस प्रदेश में, आप इस चीज को समझ लीजिए कि हम लोग इस चीज की भुक्तभोगी पहले से है, क्योंकि जो चीजें आपके संदर्भ में अब सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली में स्थिति अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए था, तो वो लोग जो लोग सरकार में नहीं थे, आज सरकार में है, वो लोग भी चुप्पी मार के बैठे हैं। कई बार हम लोग ने मुलाकात की स्थिति अपीयरिंग से लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर, और 10 वर्ष की उम्र छूट आदि सब विषयों पर हम लोग ने बातचीत की, सभी विषयों पर वो चुप्पी मार के साथ के बैठे हैं। आपको याद होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से हम लोग मुलाकात किए थे 14 फरवरी को और 19 फरवरी को। उसके बाद भी वो लगातार ये कहते रहे, आश्वासन देते रहे कि मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, आप लोग इत्मीनान रखिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। और जितने भी टीवी चैनल के प्रवक्ता होते हैं, बीजेपी के हो या जेडीयू के हो, खूब गोल गोल बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो करवा देंगे, आप लोग इतना रखिए, सब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हैं बताइए ना भाई? डोमिसाइल नीति पर सरकार जो निर्णय ली उसके साथ आप लोग चले गए, हम लोग काफी विरोध किए, इसके बावजूद डोमिसाइल नीति लागू हो गई, दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर वही हुआ, बीपीएससी शिक्षा विभाग ने जिस तरह के कारनामे किए, काले कारनामे, चिट्ठी भेजकर चिट्ठी वापस ले लेना, TRE-1 में वही हुआ, 4700 पद की सूची भेजी गई और मात्र 2700 लोगों का रिजल्ट आया, 2773 लोगों का रिजल्ट आया। TRE-2 में 14700 पदों की सूची भेजी गई थी, रिजल्ट नहीं आया। तो अब किस किस बातों का? बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका तो संज्ञान आप नहीं ले पा रहे हैं। लगातार बीपीएससी में प्रोटेस्ट चला तो वहां 144 लग गया, शिक्षा विभाग गया तो शिक्षा विभाग में इस तरह की चीजें हुई कि शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मिलता ही नहीं है। तो कई बार तो हम लोग मुलाकात करने का प्रयास किए और शिक्षा मंत्री का इस तरह का व्यवहार होना, मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं छात्रों युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। साथियों, हमने आपसे कल कहा था कि एक प्रयास हम और करने जा रहे हैं, इस प्रयास के माध्यम से अगर चीजें अगर समझ में है, क्योंकि बीपीएससी तीसरे फेज की बहाली में फॉर्म अप्लाई करने की आज आखिरी तिथि है और जो मांग है सीटेट अपीयरिंग के मुद्दे को लेकर भी काफी चीजें थी, डिजी लॉकर में वो मार्कशीट और वो जो सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू है वो अभी नहीं आया है। तो सीटेट अपीयरिंग के पास भी, जो सीटेट के जो रिजल्ट आए उसके पास भी एक अन्य समस्या थी कि उनके जगह पर रोल नंबर भरा जाए या NA भरा जाए, क्योंकि TRE-1 में इस तरह की बातें थी तो वहाँ NA भरा गया था। अब जो तीसरे फेज की बहाली है उसमें स्थिति अपीयरिंग, 10 वर्ष की उम्र जो छूट, 10 वर्ष की उम्र की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस पर सरकार का तो कोई विशेष ध्यान है नहीं। अगर 2011 और 2019 में अगर STT की परीक्षाएं हुई और 2011 के वाले जो पास किए उसके बाद तो वैकेंसी निकली नहीं,
तो आज अगर जिस तरह की चीजें वैकेंसी निकलती है तो उनको एक कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए था परीक्षा में बैठने का, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया साथियों। और इस तरह की चीजों पर अब ये बात स्पष्ट आप मान लेके चले कि पहले महागठबंधन की सरकार और आज एनडीए की सरकार से छात्रों और युवाओं का मोह भंग हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद जो बिहार पुलिस चयन परिषद के जो चेयरमैन है एसके सिंगल, सिर्फ उनको पद से हटाया गया। लेकिन हम लोग के पास जो जानकारी ये है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट गई सौंपी गई है उसमें से लगभग आधे सीटों को बेचने के प्रमाण और उसमें से चेयरमैन की मुख्य भूमिका दर्शाई गई है। परंतु जब जब एसके सिंगल पर कार्रवाई होने की बात पर सिर्फ पद से हटाया गया, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह के दूसरे प्रदेशों में अभी उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के जो परीक्षाएं हुई उसका पेपर लीक हुआ, काफ़ी कठोर कार्रवाई हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक नहीं हो, लेकिन अगर हो जाता है तो किसी प्रकार से कार्रवाई, लेकिन उसके जो मुख्य सरगना है जो उसके सबसे प्रमुख लोग हैं उन तक कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना इस प्रदेश की है और इस देश की भी है। आज लोकसभा में भी एक संसद द्वारा एक कानून पारित हुआ है कि 1 करोड़ का जुर्माना, 10 वर्ष की सजा और आदि आदि कई चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि जिस केंद्र सरकार ने अगर इस तरह की चीज़ें की हैं तो राज्य सरकार को भी वो पेपर लीक के खिलाफ में कठोर कार्रवाई, कठोरतम जो कानून है उसको अक्षरता बनानी चाहिए। और आज हम लोग शिक्षक बहाली के मुद्दे पर अब अपडेट करा दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम बैठक करने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोर्ट केस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक कल उसकी हम घोषणा कर देंगे, आगे मतलब कल या परसों, कल हम घोषणा करेंगे कि बैठक कब होगी। लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक छात्रों अभ्यर्थियों और शिक्षकों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह की चीज़ें हुई, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ, अंधेरे में रखा गया छात्रों अभ्यर्थियों को, एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर, STT अपेयरिंग के मामले को लेकर, अगर आपने TRE 1 में CTET अपेयरिंग, DLED अपेयरिंग, STT अपेयरिंग, BEd अपेयरिंग, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट सभी लोगों को आपने मौका दिया, तो फिर ये दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज के बहाली में क्या हो गया। तो अब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों ने जितना भी प्रयास किया STT अपेयरिंग और 10 वर्ष की उम्र की छूट को लेकर, उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई खाका नहीं, कोई डाटा नहीं है। और सम्राट चौधरी तो स्पष्ट बोलते थे कि हम मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला गया ही नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री के जी के बात भी चला जाता है तो उस बात की बहुत पुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि बात आप समझ सकते हैं कि सिविल सेवा जो BPSC अपर एज है उसको बढ़ाने के लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास, पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, और 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष ये सिविल सेवा के जो एज है वो देश में सबसे न्यूनतम बिहार में है। और दूसरे प्रदेश में आप जाएंगे तो कहीं 40, कहीं 42, कहीं 44, 45, 46 साल तक भी बढ़ाया गया। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य, उधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब राज्यों ने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब राज्यों ने अपनी उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है। परंतु बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो उम्र सीमा में बढ़ोतरी नहीं की। और लगातार हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मामला गाने के बाद भी जो मामला है वो DOPT में यानी कार्मिक विभाग में फाइल बन के तैयार है, इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि BPSC में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी हो और दो बार भी उम्र में छूट देते हुए बैठने का मौका मिले, परंतु हुआ कुछ नहीं है। लगातार आश्वासन मिल रहा है कि ये कर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब साथियों, अब किन किन विषयों की बात करें, आपको पेपर लीक के संदर्भ में, अगर पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर लीक हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि पेपर लीक के संदर्भ में सरकार की तरफ से, लेकिन पेपर लीक पर तो एक सिरे से खारिज हो जाते हैं मामले, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो। सिपाही में भी मामले चेयरमैन की तरफ से खारिज हो चुके थे, लेकिन छात्रों, अभ्यर्थियों और प्रेस के साथियों द्वारा, हम लोगों द्वारा जिस तरह का प्रयास किया गया, तो आर्थिक अपराध इकाई ने निश्चित रूप से जाँच की गठन की और जाँच के रिपोर्ट के बाद वो माना कि हाँ पेपर लीक हुआ। परंतु सरकार के समक्ष इस तरह के जो रवैया है, नकारात्मक रवैया, पेपर लीक हो या छात्र युवाओं के जो समस्या है उनको लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि जो लोग जिस एजेंसी के तहत होती है परीक्षा या उसके जो प्रमुख होते हैं, चेयरमैन से लेकर अध्यक्ष और सचिव से लेकर, सबकी कार्य प्रणाली लगभग एक जैसे ही है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
या अन्य मंत्री जो विभागीय मंत्री हैं, अगर उनके पास शिक्षक अभ्यर्थी या जो छात्र युवा हैं अगर अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनको सुनना चाहिए, परंतु सुनते भी नहीं है। और जिस तरह से कल जो विजय चौधरी जी के आवास पर जिस तरह के हमारे भाइयों बहनों के साथ जिस तरह से गलत व्यवहार हुआ, आप ये बात समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। और इस तरह की चीज़ें इस प्रदेश में हो रही है, लगातार हो रही है, छात्र युवाओं की अवहेलना हो रही है, उनके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की चीज़ें इस प्रदेश में हो रही है। तो छात्रों युवाओं और जितने भी मेरे साथी जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, एक बार ध्यान से सुन ले कि अब सरकार से मोह भंग हो गया है, न पहले महागठबंधन से थी, आज एनडीए से हो रही है। हम लोग अपने लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे अब, लेकिन सरकार के समक्ष उन चुनौतियों को मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उन चुनौतियों को सामना करने के लिए आप लोग तैयार रहें, हम सभी लोग एकजुट होकर अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।